गुरुग्राम बीजेपी के जिला सचिव नवीन गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नवीन गोयल ने 8 सितंबर को पीएम की होने वाली रैली का जनता को निमंत्रण दिया। साथ ही साथ गुरुग्राम को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए लोगों से अपील भी की। हमारी रैली का एक परसों का निमंत्रण देना था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। सर, हमने दो तीन चीज़ों की शुरुआत की है। एक तो हम हर घर जाकर के अवेयरनेस करना चाह रहे हैं। हमने स्कूलों के माध्यम से, सेक्टर की मार्केटों के माध्यम से, बाजार की मार्केटों के माध्यम से हमने अपील की है। कुछ डस्टबिन बांटे हैं कि लोग सफाई करें और कूड़ा डस्टबिन में डालें। दूसरा, हमने स्कूलों में जा कर के एक जूट के थैले बांटे हैं और उनसे रिक्वेस्ट किए हैं स्कूल में सभी बच्चों से, क्योंकि बच्चे भारत का भविष्य हैं। जब बच्चे इस मुहिम से जुड़ जाएंगे तो अपने अभिभावकों को और मिलने वालों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे और वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। तो हमने स्कूलों में जाकर के प्रचार किया कि कपड़े के थैले बांटे जाएं, और साथ साथ हमने एक पेपर कप बनवाया है कि प्लास्टिक का कप लोग यूज़ ना करें और पेपर कप करीबन हमने 10 लाख कप बनवाए हैं। तो ये चाय की दुकानों पर बांटने की कोशिश करेंगे। 150 से 200 गाड़ियाँ और 10 बसेस, करीबन 1000 से 1500 लोगों का हमारा टारगेट है, और हम पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ वहाँ पे जाने का काम करेंगे परसों। और एक पॉइंट भी बनाएंगे जहाँ पे आगे इकट्ठे होंगे सब लोग, अलग अलग जगह से काफ़ी लोग जाने की हुए हैं।